कनाडा आने का पूरा प्रोसेस, कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम लगता है। 2.5 महीने का वेट कर लिया आपने, आपका वीजा आ गया, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। हे गाइस, दिस इज हिमांक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे यूट्यूब स्टार्ट करे कुछ 2 से 3 महीने हो गए हैं, और मुझे ऑलमोस्ट हर एक वीडियो पे कमेंट आता था कि कनाडा कैसे आना है, कनाडा आने का प्रोसेस क्या है, आप बता दीजिए कनाडा कैसे आना है, कनाडा कनाडा कनाडा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कैसे कैसे सब होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस प्रोसेस में मोस्टली पेमेंट्स कनेडियन डॉलर्स में होती हैं, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 1 कनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 60 इंडियन रुपीज ले रहे हैं। कनाडा आने का सबसे पहला स्टेप और सबसे मेन स्टेप होता है आइट्स का एग्जाम। तो आइट्स 2 तरीके के होते हैं, एक एकेडमिक और एक जनरल। आइट्स होता है एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें एकेडमिक आइट्स टेस्ट देना होता है, जिसकी फीस अराउंड होती है 15,500 रुपीज। और आइट्स का टेस्ट देने से पहले कई लोग कोचिंग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते, कई लोग यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, कई लोग कोचिंग ले लेते हैं। मैंने पर्सनली कोचिंग ली थी 20 डेज की, जिसकी फीस मेरे को पड़ी थी 6,000 से 10,000 रुपीज के बिटवीन। तो आइट्स का अपना पेपर हो गया 15,500 का, और अपनी कोचिंग हो जाती है अराउंड 10,000 की। तो कोचिंग में आपको नॉर्मली यही पूरा रूब्रिक बताते हैं आइट्स के एग्जाम का, बाकी आपको प्रैक्टिस अपने आप से खुद से करनी होती है। और एक डिज़ायर बैंड लाने होते हैं आइट्स के पेपर में कि 6 ईच एंड 6.5 ओवरऑल, ताकि आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एप्लीकेशन अप्लाई कर सको, ताकि आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। तो भाई आपने आइट्स का टेस्ट दे दिया, 14 डेज का वेट कर लिया, और उसके बाद आपके डिज़ायर बैंड्स आ गए 6 ईच एंड 6.5 ओवरऑल या उससे ज़्यादा, और आपने आइट्स से बैंड से खुश हो। तो अब दूसरा स्टेप आ गया अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करना, कि आपका, और ये चीज़ सबसे मेन होती है, एक आपको रिसर्च करनी पड़ेगी प्रॉपर कि आपके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, कि आगे जिसका फ्यूचर अच्छा हो, या आपको कोई कोई स्किल सिखा रहा हो, या आपको उसमें फील्ड जॉब बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग मिल रही हो, और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है या कौन से कॉलेज से करना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। कहीं आप किसी और की बातों में आके कोई और कोर्स ले लो और आप कनाडा आके फिर पछताओ, तो ऐसा नहीं करना। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो प्रॉपर वो रिसर्च करके अपना तैयार रखो। तो कोर्स वगैरह आपने चूज़ कर लिया कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है या कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स लेके, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया एक कंसल्टेंट के पास जाना। तो कंसल्टेंट आपको ट्रस्टेड चुनना होगा, या उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, या आपका किसी जानकार ने वीज़ा लगवाया उससे और वो सक्सेसफुल हो। तो मैंने भी अपने, जहाँ से मेरे भाई ने वीज़ा लगवाया था, मैंने भी वही कंसल्टेंट चूज़ करा था, और वो काफ़ी ट्रस्टेड था दिल्ली में। तो आपको भी एक ऐसे कंसल्टेंट पे जाना है जो काफ़ी ट्रस्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो, ताकि आप उससे अपनी फाइल लगवाओ बिना झिझक के या बिना किसी टेंशन के, वरना टेंशन चढ़ी रहती है। तो कंसल्टेंट के पास चले गए, आपने सारी बात करी, पर एक बात इम्पॉर्टेंट, कंसल्टेंट आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंसल्टेंट के पास काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि उनको कॉलेजेस से अपनी, क्या बोलते हैं, पैसे मिलते हैं कि आप हमारे कॉलेज में बच्चे भेजो और हम आपको पैसे देंगे। तो अगर कंसल्टेंट आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोई स्पेसिफिक कोर्स में जाने के लिए फोर्स करता है, तो वहाँ से उठो और निकलाओ और कोई दूसरा कंसल्टेंट ढूंढो जो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो कंसल्टेंट आपने चूज़ कर लिया कौन सा बढ़िया, कौन सा रिलायबल है, तो उसके बाद सबसे मेन स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन कॉलेज में डालना, कि आपको उनके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिसकी फ़ीस अराउंड होती है $100 से लेकर 150 कनेडियन डॉलर्स। तो वो आपको कॉलेज में जमा करानी होती है, और एक एप्लीकेशन भेजनी होती है कि अपने आइट्स का TRF, अपने आइट्स का स्कोर कार्ड, और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, 10th 12th की मार्कशीट, ताकि वो आपको कॉलेज में एडमिशन दे सकें। तो एक कॉलेज में मेरी सलाह यही है कि आप एक कॉलेज में अप्लाई ना करो, कम से कम 2 या 3 कॉलेज में अप्लाई करो, ताकि अगर किसी से एक्सेप्टेंस ना आई या किसी से रिजेक्शन आ गई, तो आपके पास एक बैकअप प्लान हो कि हाँ, मैं दूसरे उस कॉलेज में भी जा सकता हूँ या उस कॉलेज में भी जा सकता हूँ। तो भाई एक बात और, कंसल्टेंट अपनी भी कुछ फीस लेता है, जैसे 10,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़, तो वो भी आपको पे करनी होगी। तो विद इन अ मंथ सारे कॉलेजेस आपको अपना ऑफर लेटर दे देते हैं, या रिजेक्शन आती है, एक्सेप्टेंस आती है, वो आपको रिजल्ट बता देते हैं विद इन अ मंथ ही, हर एक कॉलेज है, हर एक यूनिवर्सिटी जो कनाडा में है। तो विद इन अ मंथ आपकी एक्सेप्टेंस आ गई कॉलेज से, तो सबसे बड़ी अब मेन खर्चा आ गया फीस का,
तो एज पर कैनेडियन वीजा कंडीशंस आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फीस भर के आनी है कनाडा। तो एक सेमेस्टर की फीस अराउंडली तो अराउंड $9,500 हो जाती है, तो दो सेमेस्टर की मिला के 9,500 अराउंडली तो अराउंड 19,000 के आसपास आ गई। तो 19,000 कैनेडियन डॉलर को अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करें तो 11,45,000 11,50,000 के आसपास आता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि आपको कैनेडियन कॉलेज में सबमिट करानी होती है। पहले क्या होता था, पहले आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भी करा के आ सकते थे, पर नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपको दो सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करा के आनी पड़ेगी, वो आपकी एक वीज़ा कंडीशन है। और फीस वगैरह जमा कराने के बाद 12 लाख रुपये आपने कैनेडियन एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा करा दिए, तो उसके बाद सबसे बड़ा मेन खर्चा आता है GIC का। GIC होती है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट कराना होता है, जो कि होता है 10,200 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो 6 लाख to 6.5 लाख के बीच में आता है। तो वो आपको एक कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट कराना होता है एज आपकी इन्वेस्टमेंट, और वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपको वापसी देते रहेंगे। मतलब आपको पूरा 10,200 डॉलर्स विद इन अ ईयर, जब आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाओगे, तो वो आपको वापसी कर देंगे, ताकि अगर आपके पास बाय चांस जॉब ना हो तो आप वो अपना एज ए लिविंग एक्सपेंस यूज कर सको। अगर आपके पास जॉब है तो आप वो डायरेक्टली सेव कर सकते हो। GIC आपने सबमिट करा दी, फीस आपने सबमिट करा दी, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेडिकल एग्जाम का, जो कि आपको कराना होता है एक IRCC अप्रूव्ड हॉस्पिटल से, जो कि आपका कंसल्टेंट आपको बुक करा के दे देगा, जिसकी फीस होती है अराउंड 7,000 रुपीज, जिसमें आपका ब्लड, हाइट, वेट, यूरिन, एक्सरे वगैरह सब कुछ चेक होता है। एक मेन ऐसा चेक होता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, जिसका रिजल्ट डायरेक्ट आपका एम्बेसी में चला जाएगा। तो मेडिकल एग्ज़ाम कराना ज़रूरी होता है, उसके बिना आपकी फाइल नहीं लग सकती। और मेडिकल एग्ज़ाम एक नॉर्मल होता है जो हर कोई पास कर जाता है, पर अगर आपकी बॉडी पे टैटू है या आपको कोई डिसीज़ है या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आपका एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगी, या टैटू के हिसाब से एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है। तो मेडिकल आपने करा लिया, सारा प्रोसेस आपका डन है, नेक्स्ट मेन स्टेप आ जाता है वीज़ा अप्लाई करने का। तो आपने भाई फीस सबमिट कर दी, GIC सबमिट कर दी, मेडिकल करा दिया, अपना ऑफर लेटर आपके हाथ में है, तो आप कंसल्टेंट पे जाओ, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मम्मी पापा का ITR, प्रूफ ऑफ फंड, सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट की फाइल बना के कंसल्टेंट पे जाओ वीज़ा फाइल करने। वो आपको कंसल्टेंट आपको बताई देगा छोटे छोटे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, आपने स्टडी के लिए लोन लिया है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट उसमें लग जाते हैं। तो उसके बाद आ गया वीज़ा फाइल करना, और वीज़ा फाइल की फ़ीस होती है 150 कैनेडियन डॉलर्स, अगर हम इंडियन में कन्वर्ट करें तो वो होगी 9,000 रुपीज़। तो वो आपको सबमिट करनी होती है, तो आपका वीज़ा फाइल हो जाता है। वीज़ा आपने फाइल कर दिया, तो उसके बाद बायोमेट्रिक्स होता है, आपके फिंगरप्रिंट और IY का पूरा स्कैन करते हैं, जिसकी फ़ीस होती है 85 कैनेडियन डॉलर्स, इंडियन में कन्वर्ट करें तो 5,000 या 5,100 रुपीज़, जो कि आपको सबमिट करनी होती है IRCC में ही। तो आपका बायोमेट्रिक्स हो जाता है, और उसका भी रिजल्ट आपकी फ़ाइल में लगता है, और वो 10 साल या 15 साल तक के लिए वैलिड होता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो बायोमेट्रिक्स करा दिया, सब कुछ हो गया, अब आपको करना है वेट 2 से 2.5 महीने का। वीज़ा प्रोसेस टाइम अब बढ़ चुका है, पहले 1 महीने का था, अब 2 से 2.5 या 3 महीने हो चुका है। तो अब आप टेंशन फ्री, आपने कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगवा दी, बायोमेट्रिक सब करवा दिया, अब 2.5 महीना आप आराम से वेट करो। भाई 2.5 महीने का वेट कर लिया आपने, आपका वीज़ा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वीज़ा आने के बाद एक और स्टेप आ गया, फ़्लाइट बुक करना। तो फ़्लाइट अराउंड हर जगह फ्लक्चुएट करती है, आप जितने दिन पहले करोगे फ़्लाइट बुक अपने इंटेक या अपनी डेट से आपके कॉलेज से, उतना आपको सस्ती मिलेगी। मैंने अराउंड 1.5 महीना पहले कर दी थी, तो मुझे फ़्लाइट की टिकट पड़ी थी 70,000 to 75,000 की, और मेरी एक दोस्त है जिसको फ़्लाइट की टिकट पड़ी 1,35,000 की, क्योंकि उसने 10 से 15 दिन पहले ही बुक कराई थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ़्लाइट का, आप कितनी पहले कराते हो, कैसे कराते हो, पर जब आपने वीज़ा प्रोसेस में लगा रखा है या वीज़ा फाइल कर रखा है, तब आप ना करा देना, क्योंकि बाय चांस अगर रिजेक्शन आ गई तो और फ़्लाइट नॉन रिफंडेबल हुई, तो आपके 1 लाख वहाँ भी डूबेंगे और डिसअपॉइंटमेंट आपको अलग मिलेगी। तो फ़्लाइट का खर्चा हो गया अराउंड 1 लाख डॉलर, हम बीच का लेके चलते हैं 1 लाख इंडियन रुपीज़, तो 1 लाख इंडियन रुपीज़ हम फ़्लाइट का लेके चलते हैं।
तो आपने फ्लाइट बुक करा दी, अब आप बिल्कुल एक्साइटमेंट में हो कि हाँ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग का सबका अपने हिसाब से डिपेंड रहता है, 50 to 60 thousand हर एक बंदे का लग ही जाता है शॉपिंग में, क्योंकि भाई कनाडा जाना है, शॉपिंग करनी है, एक्साइटमेंट ज़्यादा ही रहती है। तो ब्रांड पहनने होते हैं, ब्रांड लेने होते हैं, तो अपन ने सारे ब्रांड कलेक्ट कर लिए भाई, हर किसी का शू किसी और का, टी शर्ट किसी और की, शर्ट किसी और की। तो उसमें अपना खर्चा पड़ गया सारा 50 to 60 thousand rupees या प्लस भी, पर एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 50 to 60 thousand rupees। तो भाई शॉपिंग डन, बैग आपके पैक हो चुके हैं, फ्लाइट की टिकट आपके हाथ में है पासपोर्ट के अंदर, तो लास्ट स्टेप आ गया कैश लेके जाना। तो अब आपके भाई इनिशियल डेज में अगर आप लैपटॉप लेके नहीं आ रहे, आपको कनाडा से लैपटॉप लेना है, आपको कनाडा से शॉपिंग करनी है, बाकी ही बची कुची, तो आप कैश लेके आते हो, तो आप कन्वर्जन रेट ज़्यादा ही रहता है। तो हम लेके चलते हैं, आप 60,000 को कन्वर्ट करा रहे हो $1,000 में, तो आप $1,000 कनाडा लेके आ रहे हो अपने इनिशियल डेज के लिए, आपको खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ। तो कैश लेके आ रहे हो अपना आप 60,000 रुपीज। तो भाई ऑल सेट, आप आ रहे हो कनाडा। तो एक बार टोटल एक्सपेंस दोबारा से काउंट कर लेते हैं। तो आइट्स के एग्ज़ाम के लिए हो गया आपका 15,000 रुपीज़, उसकी कोचिंग के हो गया आपका 10,000 रुपीज़, उसके बाद आपने कंसल्टेंट को दिए 10,000 रुपीज़, ऑफर लेटर में आपका गया अराउंड इत अराउंड 15,000 रुपीज़, उसके बाद सबसे मेन खर्चा फीस का, जिसमें आपने दिए 11 lakh to 11 lakh and 50,000 रुपीज़, उसके बाद GIC आ गई जिसमें लगा आपका 6 lakh and 50,000 रुपीज़। GIC के बाद आ गया आपका मेडिकल एग्ज़ाम जो कि हो गया 7,000 रुपीज़, और मेडिकल के बाद आपका आ गया बायोमेट्रिक्स और वीज़ा फीस जो कि हो गया 14,000 रुपीज़, उसके बाद आ गया अपनी फ्लाइट का खर्चा और कैश जो कि अराउंड नहीं तो अराउंड हो गया 1 lakh and 50,000 रुपीज़। तो अगर हम इसका सबका टोटल करें तो जो कि पड़ जाता है अराउंड नहीं तो अराउंड 21 lakh to 22 lakh के बीच में, क्योंकि रेट हमेशा कैनेडियन डॉलर का फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस हिसाब से 21 lakh to 22 lakh हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो ये था भाई कनाडा आने का पूरा प्रोसेस, पूरा खर्चा कि कनाडा कैसे आना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कितना खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है। तो भाई काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, अराउंड नहीं तो अराउंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 7 to 8 months लग ही जाते हैं अराउंड। और अगर आपने लोन लिया कहीं से बैंक से तो और ज़्यादा लगा लो, या 7 to 8 months में हो ही जाता है, क्योंकि वीज़ा अगर आपका जल्दी आ गया तो उतना ही टाइम कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड पीस आउट।